वो नाइस, चल वी विल डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम, मैं देख लूंगा। डायगनल के थ्रू करा था ना, आई विल चेक इट आउट। तो नया चैप्टर शुरू करते हैं भाई, सर्कल्स। तो पिछले साल कुछ कुछ पढ़ा था सर्कल्स के बारे में, याद है? हाँ भाई, यस सर, पढ़ा था सबको याद सारी है सर, सारी याद नहीं होगी, अब रिवाइज सर्कल क्या करके। होता है ये तो याद है? हाँ हाँ सर, इतना तो याद है। भाई, यस सर, कार्तिक, प्रिया, आदत हाँ भाई रिया, तुम लेट आई हो। तो भाई सर्कल एक ऐसा क्या होता है, सर्कल एक फिक्स पॉइंट से विच इज ओ, उससे डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। द कॉन्स्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। और ये पॉइंट ए ऐसे मूव होता है सर्कल के अराउंड, सेंटर हो के अराउंड, कि ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है। तो फिर जो ये मूव करेगा तो, और जो हमें फिगर देगा, उससे हम हमारा एक सर्कल बनता है। सर्कमफ्रेंस याद है सर्कल का? 2 पाई आर। यस सर, 2 पाया। सर्कमफ्रेंस बोल लो या पेरीमीटर बोल लो या बाउंड्री बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो वो होता है 2 पाई आर। इतना याद है ना सबको भाई? किसी को यस इतने पार्ट में कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। पाखी, तुम्हें याद है सर्कल 9th का? इतना थोड़ा बहुत। चलो फिर, तो फिर उसके बाद हमने देखा था पिछले साल की कॉर्ड क्या होती है। यस किन्हीं भी सर, किन्हीं दो किसी भी दो पॉइंट पे लोगो ले लो सर्कल पे, दोनों को ज्वाइन कर दो, हमारे पास कॉर्ड आ जाएगी। और ऐसी सबसे बड़ी कॉर्ड को हम क्या बुलाते हैं, डायमीटर। डायमीटर, जो कि सर्कल के सेंटर से पास करती है। और डायमीटर किसके इक्वल होती है, रेडियस के ट्वाइस के। वाइस के आर्क क्या होती है? हाँ भाई, आर्क याद है? आर्क क्या होती है? हाँ आर्क सर, कुछ तो होती है। हाँ सर, वो कुछ होती है, क्या होती है भाई, फिर से। हाँ सर, सरकमफेरेंस का पार्ट। हाँ सर्कमफ्रेंस का पार्ट। तो भाई फिर से दो पॉइंट ले लो सर्कल पे, जैसे अब यहाँ पे पी और क्यू ले लिया हमने, ठीक है। अब कॉर्ड क्या होती है, पी और क्यू को मैं ज्वाइन कर दूंगा स्ट्रेट लाइन में। और लेकिन आर्क वो होती है जब मैं पी से क्यू पे जाऊंगा अलोंग द सर्कल इटसेल्फ। तो ये जो कर्व्ड वाला पार्ट होगा, ये हमारी क्या हो गई, आर्क हो गई, ठीक है। आर्क की नेमिंग हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, सो दिस विल बी आर्क पी क्यू। और अगर मैं आर्क क्यू पी की बात करूंगा तो ये उल्टी ये वाली। बड़े वाली आर्क हो जाएगी, ठीक है ना। ये हो जाएगी आर्क क्यूपी, इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। ये हो गई हमारी माइनर माइनर। आर्क, ठीक है। ये याद है सबको? नहीं यस सर, अभी याद आ गया। भी याद तो अब वापस याद आ गया सबको। कार्तिक, यस रिया, इंदु, चिराग, इतना याद आ गया ना यस सर, सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इतने में? सर। चलें आगे। तो ठीक है भाई, सो आर्क से हमारे पास आता है सेक्टर। तो जिन दो पॉइंट्स के बीच की आर्क है ना, अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ये ऐसा एरिया बनेगा ओ ए बी ओ, ठीक है। इसको हम क्या बुलाते हैं, सेक्टर, ठीक है। पिज्जा का जो स्लाइस होता है वो क्या होता है, एक सेक्टर, ठीक है। फिर एक हमारे पास टर्म आई थी सेगमेंट। सेगमेंट याद है क्या यस सर, होता है, बोल। वो होती है ना, कोई कॉर्ड बनाता है उसमें जो बड़ा वाला वो मेजर सेगमेंट, छोटे हाँ, वाले। तो कॉर्ड भी देखो, जब हम कॉर्ड बनाते हैं तो सर्कल दो पार्ट में बढ़ जाता है, तो जो छोटा पार्ट होता है उसको हम माइनर सेगमेंट बुलाते हैं। सेगमेंट का मतलब यही होता है भाई, भाग हो, भाग, पार्ट। तो सेगमेंट्स में बढ़ जाएगा तो एक माइनर सेगमेंट होगा और एक मेजर सेगमेंट होगा, ठीक है भाई। ये भी याद है ना सबको? किसी को प्रॉब्लम है सेगमेंट वेगमेंट में अब तक? सेक्टर, सेगमेंट, ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो लास्ट ईयर हमने करी थी, जो तुम्हें टेक्निकली याद होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ पिछले साल की। हाँ भाई इंदु, तुम नहीं बोल रही, कुछ याद है तुम्हें? बोलो बोलो।
अंगूठा दिखा दो बस। क्या याद ही नहीं है बिल्कुल तुम्हें सर्कस पिछले साल का? मैसेज इंदु बेटा तुम्हें बहुत बार बोला है मैंने, मैसेज में लिखो तुम्हारी आवाज कटती है बहुत ज्यादा यार। इंदु मैसेज में लिखो तुम्हारी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं क्या कट रही है बिल्कुल बहुत ज्यादा। मुझे कुछ नहीं समझ में आया तुमने क्या बोला। ठीक है भाई, तो ये होता है हमारा सर्कल के दो सेगमेंट, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट। इंदु ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये 9th क्लास में करवाया ना गया हो, 9th के सिलेबस में है सर्कल्स। अब मैं 9th वाला तो तुम्हें वापस से नहीं पढ़ा सकता यार। हाँ इतना जरूर कर सकते हैं कि 9th का सर्कल्स हो चुका है, तुम उसके नोट्स देख सकती हो जाके। यस स्नेहा सोनी, आपकी फर्स्ट क्लास है, बेस्ट स्टाफ, आई डोंट नो व्हाटएवर। सो सेगमेंट है हमारे, और फिर अब हम आता है इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड लाइन। तो हमने ये भी देखा था लास्ट ईयर, याद है? ये याद है क्या? सर्कल और लाइन की इंटरसेक्शन देखी थी ना, लाइन काटती थी सर्कल को या नहीं काटती थी? ठीक है, ऐसे हम दूर से शुरू कर रहे थे कि भाई पहले तो लाइन बाहर है सर्कल के, ठीक है, फिर दो जगह काट दिया, और फिर देखो जब ये दो जगह काटी है ये लाइन, तो ये लाइन जब थोड़ा थोड़ा इधर आती जाएगी, चलो अगले पेज पे समझ आएंगे, तो एक सिनेरियो ऐसा आएगा कि जब ये लाइन सिर्फ टच करके निकल जाएगी, है ना? तो पहला सिनेरियो तो है जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, ठीक है, तो इसमें लाइन और सर्कल का कुछ लेना देना नहीं है आपस में, दोनों का अलग अलग हिसाब किताब। जब दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम क्या बुलाते हैं? सीकेंट। सीक्वेंस एंड शाबाश लड़के, याद है या देख के पढ़ लिया? नहीं सर यार चलो बढ़िया। और जब एक जगह टच करते हुए जाती है उसको हम क्या बुलाते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट ठीक है, ये याद है भाई? इतना पाखी कार्तिक, इतना तो याद है सर। इतना तो याद है, शाबाश। रिया रिमेम्बर दिस सेकेंड टेंजेंट। अरे डिस्कनेक्ट ही हो गई। हाँ भाई इंदु समझ में आ रहा है लेकिन ना तुम्हें, तुम्हें याद भी याद नहीं है, ठीक है, पिछली बार नहीं कराया कोई बात नहीं, तुम्हारी क्लास में आई डोंट नो कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, बट क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो बोलो, आ रहा है तो बोलो, जल्दी बोलो, लेकिन जो भी बोलना है। समझ आ रहा है या नहीं बेटा, बोलो। थ्योरी है नहीं, बस पहुंच रहे हैं अभी, पिछले साल का एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं मैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स का क्या हिसाब किताब होता था, ये भी याद है? जब पॉइंट सर्कल के अंदर होता था तो इससे हम एक भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो इससे एक टेंजेंट हो सकता है, लेकिन अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो इससे मैक्सिमम तीन। दो। तीसरा कहाँ बन रहा है रे? अच्छा हाँ हाँ ए दो एस एंड ए टी, बस ये दो टेंजेंट बनेंगे, ठीक है? ये तीन सिनेरियो समझ आ गए सबको? जब सर्कल के अंदर है, सर्कल पे है, और जब सर्कल के बाहर है। फटाफट अंगूठा दिखाओ भाई, अगर ये याद है और समझ में आ गया दोनों में से कोई भी एक केस है तो। फटाफट 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 फटाफट। इंदु कार्तिक गॉट इट, शाबाश इंदु, याद
पढ़ाया नहीं गया फिर भी समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, तो ये सब तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा, नोट करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है यार, थ्योरी वाला पार्ट है। अब हम ये सब पढ़ लिए ऑलरेडी, ठीक है, पिछले साल देख लिया, ठीक है। सीकेंट से टेंजेंट देखो कैसे बन रहा है, जब हम सीकेंट एक बनाते हैं ना, तो जब मैं इसको थोड़ा थोड़ा और दूर करता जाऊंगा, जब अगला यहाँ बनेगा फिर यहाँ बनेगा तो इवेंचुअली यहाँ बनेगा, है ना। तो इसलिए तो उस पे क्या हो रहा है, उस पॉइंट पे दोनों पॉइंट्स ओवरलैप कर रहे हैं, ए और बी काइंड ऑफ एक दूसरे पे, ठीक है। तो वहां पे हमारा सीकेंट से हम टेंजेंट पे पहुंच जाए। तो इस साल का हिसाब किताब अब शुरू करते हैं, ये तो था पिछले साल का, रिविजन हो गया फटाफट। अब इस साल का शुरू करते हैं, थ्योरम वन है। तो ये बोल रही है हमें कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड रेडियस थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, समझे कुछ थ्योरम क्या बोल रही है। यस सर। तो ये है हमारा फिगर, तो ये है हमारा एक टेंजेंट, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा ये टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे जो रेडियस होगा, ठीक है, जो रेडियस होगा ये क्या है, परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, ये हमें प्रूफ करना है। तो फटाफट से करो, कैसे करेंगे सोचो। तो ये हमारा एक टेंजेंट है एल, सो वी हैव टू प्रूव दैट दिस ओ एम लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, कंस्ट्रक्शन होगी इसमें, क्या होगी कोई बता सकता है। सर ओ से जो टेंजेंट है उससे एक पॉइंट अरे पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तेरे को तो आता है यार, मतलब चलो भाई, कृष्ण एक कंस्ट्रक्शन होता ही है, वो कर लेते हैं। सो क्या कंस्ट्रक्शन होता है कृष्ण, अगर फिर से बता। सर जॉइन लाइन ओ फ्रॉम द टेंजेंट। ड्रॉ ओपी, वेयर इज ओपी, हेयर इज वन, On the tangent outside the circle. यही है ना, Yes, sir. ठीक है भाई। तो बस अब क्या करेंगे, देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा टेक्निकल सा प्रूफ है। सो मैंने क्या करा, ड्रॉ ओपी वेयर पी इज एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट, ऑन टेंजेंट अदर देन एम, ठीक है। ये पॉइंट नहीं हो सकता पी, बाकी पी कहीं पे भी हो सकता है टेंजेंट, ठीक है। तो जब पी एम नहीं हो सकता, तो टेंजेंट पे एक बात बताओ, टेंजेंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलके एक लाइन से लाइन बनती है। तो ये जो लाइन है इस पे एक लौता पॉइंट एम है जो एक ऐसा लाई करता है जो सर्कल पे भी लाई करेगा, बाकी तो जो भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करेंगे वो सर्कल के बाहर लाई करेंगे, है ना। सिंस वी हैव टेकन पी टू बी एनी पॉइंट अदर देन एम, वी कैन से दैट पी लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो अगर पी सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे, तो जो ओ आर होगा, आर वो होगा पॉइंट जहां ओ पी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि पी सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, और पी को ज्वाइन करोगे तो वो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसको आर दे दिया मैंने, तो ओ आर की लेंथ हमेशा ओ पी से छोटी होगी। अब ओ आर रेडियस है मेरा, ओ एम भी रेडियस है, तो ओ एम की लेंथ भी ओ पी से छोटी होगी। तो देखो, तो इसका क्या मतलब है, पी कोई भी पॉइंट है, पी एम को छोड़ के कोई भी पॉइंट है, तो जो ओ एम डिस्टेंस आ रहा है वो बाकी इन सब डिस्टेंसेस से छोटा है। ओपी क्या है, डिस्टेंस ऑफ एनी अदर पॉइंट फ्रॉम ओ, ओ एम क्या है, डिस्टेंस ऑफ एम फ्रॉम ओ। तो
तो मेरे को इससे पता चल गया कि भाई जो डिस्टेंस ऑफ एम फ्रॉम ओ है वो शॉर्टेस्ट है. डिस्टेंस ऑफ एम शॉर्टेस्ट राइट एग्जैक्टली. तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो कौन सा डिस्टेंस होता है भाई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. सो यहां से मेरा क्या आ गया, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू. समझ गए सभी लोग ये? यस सर. देवांश, पाखी, इंदु, पाखी समझ में आ गया? बोलो है ना, अंगूठा दिखा दो. समझ आ गया तो, नहीं आया तो पूछ लो क्या डाउट है. तो नोट कर लो सभी लोग. ऑल राइट ग्रेट. कर लिया नोट? कोई बचा तो बोलो, नहीं तो आगे चल रहे हैं. इन 3 2 1 Let's go. So, ये हमारे कुछ रिमार्क्स है, ये नोट कर लो. सो अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल आर ईदर पैरेलल और दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल राइट. तो देखो अगर हमारे ये टेंजेंट के पेयर है, पहला रिमार्क देखते हो क्या बोल रहा है. ठीक है, तो वो कह रहा है कि तो अगर ये टेंजेंट है दो, ये सर्कल है हमारे, तो दो ही सिनेरियो हो सकते हैं. क्या दो सिनेरियो हो सकते हैं? या तो ये दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट पैरेलल होंगे, दो टेंजेंट है अलग अलग सर्कल में. ठीक है, जस्ट लाइक एनी टू अदर लाइंस, इधर टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर और दे इंटरसेक्ट ईच अदर. तो सिमिलरली फॉर टेंजेंट्स, तो या तो ये दो टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगे या फिर इंटरसेक्ट करेंगे. तो कहां पे करेंगे इंटरसेक्ट? डिस्कनेक्ट हो गया था. कुछ नहीं भाई, पहला रिमार्क पढ़ रहे हैं. तो दो सिनेरियोस हैं. सो वी आर सेइंग दैट सर वो जो थ्योरम थी, हां थ्योरम समझाऊं सर? वो मैं था नहीं उस टाइम. मैं अगर उनको नहीं दादू सर, इतना मैं डिस्कनेक्ट हो गया. डिस्कनेक्ट क्यों हुआ? अच्छा इंटरनेट लेना, फिर डिस्कनेक्ट नहीं होगा. अच्छा ये वो जी होता है, बता नहीं क्या. कहाँ तक सुना था तूने? मैंने तो सर्कल ड्रॉ किया था बस आपने. क्या हाथ में मारूंगा यार तेरे को. अच्छा चल ठीक है. तो भाई कंस्ट्रक्शन देख पहले तो क्या है. तो भाई देखो कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि, अच्छा ये ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि हमने एक पॉइंट ले लिया P. ठीक है, L हमारा टेंजेंट है M पे. ओके, L हमारा टेंजेंट है पॉइंट M पे और M पॉइंट पे रेडियस बन रहा है हमारा OM. हमें प्रूव करना है कि ये OM L के परपेंडिकुलर. तो मैंने क्या करा, एक P एक ऐसा पॉइंट ले लिया लाइन L पे जो कि M नहीं है. तो M के अलावा और कहीं भी हो सकता है P. ठीक है, ठीक है. ओके सर, ले लिया. और हमें पता है कि टेंजेंट पे एक लौता पॉइंट M ही है जो सर्कल के ऊपर भी लाई करेगा. और ऐसा कोई पॉइंट है जो सर्कल और टेंजेंट दोनों पे लाई करेगा? नहीं है ना. तो जो लाइन L है उस पे M के अलावा जितने भी पॉइंट होंगे वो सर्कल के आउटसाइड लाई करेंगे. यस सर. तो मैं बोल सकता हूँ कि P भी आउटसाइड लाई करेगा सर्कल के. यस सर. तो अगर P सर्कल के बाहर लाई करेगा तो OR इज लेस देन OP, क्योंकि अगर P सर्कल के बाहर लाई करेगा और अगर मैं OP को ज्वाइन करूंगा तो वो सर्कल पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा. लेट्स से दैट पॉइंट इज R, तो OR की लेंथ OP से छोटी होगी. यस सर. तो OR OM के इक्वल है, रेडियस है दोनों. यस सर. OM भी OP से छोटा होगा. ठीक है, तो
पी कोई भी पॉइंट हो सकता है एम को छोड़ के. ओ एम क्या है? एम का डिस्टेंस ओ से. ठीक है, ओपी क्या है? पी का डिस्टेंस ओ से. तो पी एम को छोड़ के कोई भी पॉइंट हो सकता है लाइन पे. तो मैंने प्रूव कर दिया कि बाकी जितने भी डिस्टेंस हैं वो सब लंबे होंगे ओ एम से. ठीक है, तो इसका मतलब ओ एम जो हो गया वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया. यस सर. है कि नहीं? और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर. ओके सर, थैंक यू. ठीक है, अब हम रिमार्क्स डिस्कस कर रहे हैं. तो अगर हमारा एक सर्कल है जिसपे दो टेंजेंट अगर हम बनाएंगे, तो या तो वो दोनों पैरेलल होंगे एक दूसरे के, या फिर इंटरसेक्ट करेंगे. इंटरसेक्ट करेंगे तो कभी सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर सकते हो? नो सर, नॉट यार, सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर. ठीक है, तो वो हमेशा सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करें. तो भाई सेकेंड रिमार्क है कि अगर हम टेंजेंट लेंगे दो पैरेलल एक दूसरे के मान लो, तो जब मैं इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करूंगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट याद है ना क्या होता है? जहां पे टच करता है सर्कल को. तो जो एक का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ये क्या होता है हमारा, ये लाइन सेगमेंट जो बनेगी हमारी क्या होगी? ये डायमीटर. डायमीटर सिंपल है, क्यों होगी? क्योंकि ये भी रेडियस होगा परपेंडिकुलर, ये भी रेडियस होगा. तो सिंस ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों ही रेडियस होंगे, राइट? स्ट्रेट लाइन है, ये कैसे प्रूव होगा? यार स्ट्रेट लाइन तो हमने ज्वाइन ही करी है. क्या सर? क्या कर रहा है? तो भाई देख, यहाँ से मैंने सेंटर से ना इस पे भी 90 डिग्री ज्वाइन बना दी, इस पे भी 90 डिग्री बना. फिर मैंने क्या करा, एक और लाइन बना दी पैरेलल. ये मेरी कंस्ट्रक्शन है. ठीक है, पैरेलल बनाई, इसके भी पैरेलल होगी. ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, ये 90 है, ये 90 है, तो पूरा कितना हो गया भैया? स्ट्रेट लाइन होगी सर. यस सर, हो गई, फटाफट हो गया प्रूफ. तो भाई तो क्या बोलेंगे हम, तो जो लाइन एक पूरी दो पैरेलल टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करेगी वो हमारी होती है डायमीटर. डायमीटर किसके इक्वल होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस. ठीक है, और इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है. एक डायमीटर अगर हम बनाएंगे और उसके एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट खींच देंगे दो, तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे. ठीक है भाई, और इससे हम इनफैक्ट ये भी बोल सकते हैं कि डायमीटर के अलावा किसी भी कॉर्ड पे अगर हम बनाएंगे तो वो वाले टेंजेंट हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे. ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सिंस पैरेलल टेंजेंट को ज्वाइन करके मेरा हमेशा डायमीटर ही आएगा, तो डायमीटर के अलावा कोई सी भी कॉर्ड में लूंगा उस पे टेंजेंट बनाऊंगा तो वो इंटरसेक्ट करेंगे ही ना यार. ठीक है, समझ गए ये पांचों रिमार्क सभी लोग? यस सर. अंगूठा दो फटाफट 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 फटाफट. प्रिया, इंदु सर ये नोट कर रहे हैं. हाँ बाकी रिया समझ गए? ओके पाखी, व्हाट अबाउट यू? पाखी अंडरस्टूड? जल्दी जवाब दिया करो. नहीं भी आ रहा समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम पूछो. इन तो देखो बेशर्मों को पांच पांच बार पूछते हैं एक चीज बेशर्म से, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है भाई, छाप लिया? छाप लिया यार. दीपांशु यार, तू यार आज बहुत स्लो करा रखा. मैं क्या कर रहा हूँ, वो तो मामा ही कह रहे, तेज तो हो गई. तेरा क्या मतलब है इस बात से, मैं समझा नहीं कुछ.
मत समझो सर रहने दो यार, मैं बहुत सीधा साधा सा इंसान हूँ यार, मेरे को नहीं समझ में आता है। अच्छा आप तो पूरा होने से पहले समझ गए होंगे। हाँ सर यार, तू मेरी शक्ल देख रहे हो, हेयर कट वेयर कट कराने के बाद तो और सीधा लग रहा है। डन सेट है। डन, वाह बड़ी जल्दी छाप लिया भाई तूने कर से। तो फिर ठीक है, इसी की एक कॉरलरी है कि उल्टा है अब, कि क्या है कि अगर रेडियस के एंड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे तो वो टेंजेंट कहलाएगी। ये तो प्रॉपर्टी होती है ना यार। तो इसको प्रूव करना है, देखो कैसे करेंगे। तो भाई उल्टा करेंगे हम इसमें हिसाब से। तो वो बोल रहा है कि एक रेडियस है हमारा, ये रेडियस है, अरे यार लाइन कम, ये रेडियस है। तो रेडियस के एंड पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, क्या कर दिया है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। मेरे को क्या प्रूव करने का है कि ये टेंजेंट है, ठीक है, ये एल है, ये ओ है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे भाई कंस्ट्रक्शन? वही करेंगे शायद ना, इस बार करेंगे हम एक कंस्ट्रक्शन ऐसी की, तो ये एक पॉइंट है हमारा, ये तो पॉइंट था ही एम, ठीक है, तो ये हमारी एक टेंजेंट हमने बना, ये हमने ले ली एक पी लाइन। ये तो कंस्ट्रक्शन क्या है, हमें प्रूव करना है कि एल है टेंजेंट। सो कंस्ट्रक्शन है कि देखो एम पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बन सकता है, हमने डिस्कस करा था कि सर्कल के ऊपर पॉइंट है उस पे एक ही टेंजेंट पॉसिबल, तो एल और पी में से कोई एक ही टेंजेंट होगा। सो कंस्ट्रक्शन ये है, लेट सपोज और रादर देन सपोजिंग, लेट्स एज्यूम एल is not the tangent, ठीक है, tangent नहीं है हमारी। construction क्या है, now draw tangent p at m। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मान लेते हैं कि l tangent नहीं है, तो भाई tangent कहीं ना कहीं तो होगी, तो exist करेगी, तो हमने वो tangent मान ली कि p है, हमने बना लेते हैं। तो इसका भाई क्या मतलब है, देखो अब हमें दे रखा है कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू एल, ओके, ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, तो ओ एम एल के परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। ऑल्सो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू पी, क्यों भाई, टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर तो होगा, ये चीज तो हमने प्रूव कर दिया है पहले ही, टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर तो होगा। अब इसको तो हम यूज कर सकते हैं, तो सिंस P इज अ टेंजेंट तो परपेंडिकुलर तो होगा OM उसके, व्हाई, बिकॉज़ P इज टेंजेंट, राइट, तो परपेंडिकुलर है। तो भाई यहां से क्या आ गया मेरा, यहां से आ गया मेरा OM, अगर L के परपेंडिकुलर है तो एंगल OMC आ गया 90 डिग्री, और इससे क्या आ गया, एंगल OMD आ गया 90 डिग्री। तो भाई OMC और OMD साथ में 90 हो सकते हैं क्या कभी? नो सर, बट वी कैन सी फ्रॉम द फिगर दैट OMD की वैल्यू जो भी होगी वो OMC से कम ही होगी, राइट, yes, उसके अंदर वाला एंगल ही तो है। तो भाई इसका मतलब क्या है, hence, तो हमारे जो assume करा उससे हमें कंक्लूजन पर पहुंचे कि जो हमें पता है कि गलत है, तो इसका मतलब हमारी assumption भी गलत थी, therefore L is the ठीक है भाई, समझ गए सभी लोग, अंगूठा दिखा फटाफट 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 फटाफट, देवांश
बाकी कृष इंदु समझ गए, बाकी गॉट इट, छाप लो भाई फटाफट। यस पाकी बोलो, समझ आए नहीं? चलो फिर आगे चलते हैं भाई। नोट कर लिया सबने? नो सर। कर लो यार, आराम से कर लो। कार्तिक का चला गया, कार्तिक का डिस्कनेक्ट हो गया लगता है हिसाब किताब। हो गया भाई। दीपांशु डन? नो सर। नो जल्दी करे। भाई जब दीपांशु को जा दो तो उसका मतलब सबने नोट कर। बाकी का हो गया? यो, हाँ हो गया भाई, वेट कर रहे हैं भाई। मैं तो बोल रहा हूँ तू थ्रेशोल्ड है हमारा इस मामले, नोट करने के मामले तेरा हो जाता मतलब सबका हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब ये हमारी नेक्स्ट कॉरलरी है उसी थ्योरम की, 90 डिग्री वाले की। तो अभी हमने देखा था सर्कल के ऊपर पॉइंट था तो टेंजेंट था, अब सर्कल के बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट बन रहे हैं। तो ठीक है, तो सर्कल के बाहर एक पॉइंट है पी, जिससे दो टेंजेंट बन रहे हैं, पी ए और पी बी। ठीक है, पी ए और पी बी। तो और एक ओ ए और ओ बी को भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो भाई हमारी थ्योरम ये बोलती है, सॉरी हमारी कॉरलरी ये बोलती है कि ये जो एंगल ए ओ बी है, ठीक है, एंगल ए ओ बी और ये जो एंगल ए पी बी है, इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये तो सिंपल है, क्वाइट प्रूफ करना। yes, ये, इन क्वाड्रिलेटरल एओबीपी, ओए पीए के परपेंडिकुलर है, ओबी बीपी के परपेंडिकुलर है। अब एंगल ओएपी इज इक्वल टू एंगल ओबीपी इक्वल टू 90 डिग्री एंड क्वाड्रिलेटरल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल एओबी प्लस एंगल एपीबी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ओ पी। ये कितना हो गया? 360 डिग्री। ये 90-90 डाल दो तो यहां से क्या आ गया? एंगल ए ओ बी प्लस एंगल APB is equal to 180. ठीक है भाई, समझ गए सभी लोग? ये नोट कर लो। यस सर। अंगूठा देगा अंगूठा। बाकी क्रिश, चिराग, दीपांशु, इंदु, इंदु सुनाई दे रहा है तुम्हें? डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। हाँ इंदु, कैन यू हियर मी नाउ? डिस्कनेक्ट हो गया था लगता है। ये समझ में आ गया? अंगूठा दिखा दे फटाफट से, समझ गए तो जल्दी जल्दी। नहीं आया तो बता फिर समझाऊं। बोलो इंदु। ओके, नोट कर लिया दीपांशु? यस सर। चलें फिर आगे, कोई बचा तो नहीं? सर एक सेकेंड। अरे
ये कैसे? अब से निखिल, अब से निखिल निखिल तुम का खोए हुए भाई साहब, तीन लाइनें लिखने में इतना समय। बीच में कॉल आ गया। कॉल आ गया? अच्छा फिगर भी तो बनानी है। अच्छा फिगर नहीं बनाई तूने, छाप लिया ऐसे ही? नहीं मैंने तो बनाई है। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ भाई हो गया निखिल? यस सर हो गया। चलो सर नेक्स्ट थ्योरम पे आ गए हैं हम। पहली थ्योरम क्या थी कि एंगल होता है 90 डिग्री। सो नेक्स्ट अब हमारी थ्योरम है आउटसाइड ऑफ द पॉइंट से, आउटसाइड पॉइंट, सर्कल के बाहर चलते हैं। तो भाई ये बोल रहा है कि दो टेंजेंट अब हमने बना दिए हैं फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। सो दिस इज टेंजेंट नंबर वन, तो ये हो गया फर्स्ट टेंजेंट एंड ये हो गया हमारा सेकंड टेंजेंट। तो दो टेंजेंट ऐसे बनाए गए। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ये अगर टेंजेंट है PA एंड PB, ठीक है, सो टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, सो PA इज इक्वल टू PB। तो भाई किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट जब बनते हैं सर्कल पे, दो ही पॉसिबल है पहली बात तो जो दोनों टेंजेंट पॉसिबल हैं वो दोनों लेंथ में इक्वल होते हैं। बोथ द टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब PA एक एंगल बनाएगा, ये सेंटर हो गया हमारा, ठीक है। अब PA का एंगल कौन सा होगा? ये होगा, ठीक है भाई। एंड PB अब एक एंगल बनाएगा, ये बनाएगा सेंटर। तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं भाई? इक्वल होते हैं। मतलब एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। ऑल्सो tangents are inclined equally to the line joining the point and the center. तो ये जो point और center को जो line OP join कर रही है, इसके भी equally inclined होते हैं। मतलब angle APO is equal to angle BP। ठीक है भाई, theorem समझ में आ गई सबको? बोलो बोलो, समझ में आ गया कि थ्योरम क्या बोल रही है? क्रिश, चिराग, दीपांशु, इंदु, पाखी, इंदु, नहीं समझ में आ रहा क्या? ओके, आई थिंक देयर इज सम कनेक्टिविटी इश्यूज देयर। एनीवेज So, इसको प्रूव करना है तुम्हें, हो जाओ शुरू, किस चीज का वेट कर रहे हो? शोश फटाफट से कर दो प्रूव। फर्स्ट पार्ट है PA इक्वल टू PB, सेकंड है एंगल AOP इक्वल टू एंगल POP, थर्ड पार्ट है एंगल APO, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, फटाफट से कर दो। कैसे करेंगे भाई? सिंपल है, अरे तो है ना? RHS सर। अरे तू चिल्ला चिल्ला के बता दे सबको, सबको तू सबको स्कीम बता दे चिल्ला चिल्ला के। ओवरऑल तो है, सही कह रहे हो। तो भाई सिंपल है ना? यस सर बहुत सिंपल है। सो इन ट्राइंगल एओपी एंड ट्राइंगल बीओपी, सबसे पहले तो ओए इज इक्वल टू ओबी, रेडियस है भाई। एंगल
OAP is equal to angle OBP equal to 90 degree है and OP equal to common है. तो भाई ये दोनों triangle congruent हो गए. कौन से criteria हो गया? Right angle hypotenuse side. अब CPCT से तीनों पार्ट हो गए. एंड एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एन. इन तीनों का क्या रीजन है? सी पी सी टी. ठीक है भाई, समझ गए सभी लोग? उठा देगा फटाफट. इंदु पाकी के पाकी समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम यार बता नहीं रही हो, समझ में नहीं आ रहा तो बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम डिस्कस कर लेंगे बात. ठीक है भाई, छाप लिया सबने? दीपांशु ये सर हो गया था, नोट कर लिया था? अच्छा हो गया था, ओके. वो तो तेरा जाता ही है. ओके बाकी ग्रेट, फिर तो सही है. अभी सवाल करेंगे तो मेरे को फटाफट जवाब चाहिए, ठीक है ना? तो फिर इसी थ्योरम की हमारी कॉरोलरी है. कॉरोलरी क्या है कि जब ये पीए और पीबी थ्योरम बन, दो टेंजेंट बन रही है, ठीक है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ओपी, इसको जब हम ज्वाइन करेंगे, ये जो एपी एबी को जब हम ज्वाइन करें, तो ओपी जो है वो एबी का क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. फटाफट से बता दो कैसे होगा, सिंपल है कि नहीं है? प्रूफ क्या करना है, समझ गए ना? तो जो ये पॉइंट होगा और जो सेंटर होगा उसको जो लाइन ज्वाइन करेगी वो ए बी को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेगी. क्वेश्चन थ्योरम समझ गए और रादर कॉरोलरी समझ गए क्या बोल रही है? Yes, तो कौन बताएगा भाई कैसे प्रूव होगा? सर भाई पिछले वाले रिमार्क्स को देख के हो जाएगा. कौन से रिमार्क्स? सर ये जो अभी किए थ्योरम है वो रिमार्क्स नहीं है. अच्छा थ्योरम जो भी है मैं क्यों देखूं, तुम बताओ. सर ये होगा ना, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? पीएसी और पीसीबी ले लो. ठीक है ले लेते हैं. सो इन ट्रायंगल, वैसे फिर से बोलियो, पीएसी और पीबीसी. हाँ पीसीबी बोला था तूने पिछली बार. सर वो तो जब तुझे लगा लिखते मैं ध्यान नहीं दूंगा. तो भाई पीएसी और पीबीसी ले लेते हैं दो ट्रायंगल. पीए और पीबी इक्वल है, इक्वल है, अभी पिछली थ्योरम में प्रूव करा. एंगल एपीसी इक्वल है एंगल बीपीसी के, अगेन पिछली थ्योरम में प्रूव करा अभी. एंड कॉमन है, पीसी तो कॉमन है ही. सो ट्रायंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रेंट. सॉरी ठीक है ना भाई, अब इसको दे दो एंगल वन, इसको दे दो एंगल टू. अब कॉन्ग्रेंट है, इससे क्या आ गया? वन और टू इक्वल है. यस सर. सीपीसीटी Yes, sir. इक्वल तो है लेकिन इनका सम क्या है? 180 डिग्री. लीनियर पेयर है. Yes, तो सिंस दे इक्वल है तो किसी भी एक को दूसरे से रिप्लेस किया जा सकता है. Twice को वन से रिप्लेस कर दो तो ट्वाइस ऑफ वन आ गया. तो यहाँ से एंगल वन आ गया 90 डिग्री. देयरफॉर आल्सो एसी इक्वल बीसी, एसी इज इक्वल टू बीसी, अगेन CPCT. CPCT.
अब एंगल 90 डिग्री हो गया और साइड्स इक्वल प्रूव हो गई, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। समझ गए सभी लोग? चिराग, दीपांशु, इंदु, बाकी बाकी तुमने करा हुआ है, कोई बात नहीं, क्लास में बैठे हो लेकिन फिर भी बता दिया करो यार, समझ आ रहा है कि नहीं सर? तो दीपांश तो ना बड़ी जल्दी हो रही है, कर लेंगे भाई सवाल भी। हाँ बोल भाई। सर थ्योरम और कॉरोलरी में फर्क क्या होता है? कॉरोलरी थ्योरम से निकल कर आती है, उसी का एक आउटकम होता है, उसी की एक एक्सटेंशन होती है। ये हमारी बेसिक थ्योरम थी, इसी की एक्सटेंशन से ये निकल कर आया। ओके सर, ठीक है। अब हमारे आते हैं उसके बाद कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। कॉमन टेंजेंट्स का हिसाब किताब होता है अलग अलग केस में, अलग अलग फिगर ड्रॉ करनी है। कौन सी? ये वाली ये कर ले जल्दी कर। यार आज तो क्वेश्चंस होने, ठीक है, तो चलो फिर फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, या फिर पहले कॉमन टेंजेंट समझा देते हैं फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने से। तो देखो भाई, ऐसा है कि कॉमन टेंजेंट्स होते हैं हमारे, तो वो अलग अलग केस में अलग अलग टाइप के कॉमन टेंजेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो पहला केस देखते हैं, जब दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पे, तो हमारे इस केस में दो कॉमन टेंजेंट्स बनते हैं, तो ये पीपी डैश बनेगा और एक ये क्यू क्यू डैश बनेगा। ये इनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है, ये वाले जो पीपी डैश और क्यू क्यू डैश वाले, ठीक है। तो जब ये सर्कल, लेकिन अब अगला केस आ गया, जब टच कर रहे होंगे एक दूसरे, तो ये पीपी डैश और क्यू क्यू डैश तो बनेगा ही, साथ में जहां पे टच कर रहे होंगे वहां पे जो टेंजेंट बनेगा वो भी एक कॉमन टेंजेंट हो गया इनका, राइट। तो इस केस में कितने कॉमन टेंजेंट आ गए? तीन। तो जब इंटरसेक्ट कर रहे थे वी हैड टू कॉमन टेंजेंट्स, अब जब टच कर रहे हैं सो वी हैव थ्री कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। अभी कर लेना नोट, दूंगा टाइम, ठीक है। टच करते हुए देखो दो केस होंगे, लेकिन एक तो अभी एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, अब जब इंटरनली टच करेंगे तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक सर्कल तो अंदर हो गए दूसरे के, तो बस एक ही कॉमन टेंजेंट बनेगा अब, जो उस पॉइंट पे बनेगा जहां पे ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। अब एक केस आता है जब वो ना ही टच कर रहे एक दूसरे को, ना ही इंटरसेक्ट कर रहे, तो वो की एक जनरल केस है जो कि मेजॉरिटी केस होते हैं, कि वो एक दूसरे के दूर है, ठीक है, या फिर एक के अंदर एक है। तो इन दोनों केसेस में टच नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो इस केस में तो एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा क्लियरली। अब इस केस में चार कॉमन टेंजेंट होंगे, एक तो पीपी डैश एंड क्यू क्यू डैश तो हो ही गए जैसा कि हमने देखा अभी, सो पीपी डैश एंड क्यू क्यू डैश आर अगेन पीपी डैश एंड क्यू क्यू डैश आर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। एंड ये हमारा जो क्रॉस की शेप में बन रहा है, ठीक है, ये ऐसा भी एक दो कॉमन टेंजेंट बनेंगे, तो ये वाले जो कॉमन टेंजेंट है हमारे, इनको हम क्या बोलते हैं? वो डायरेक्ट हो गए, ये हो गए ट्रांसवर्स कॉमन, ठीक है भाई। कॉमन टेंजेंट समझ गए सभी लोग कि क्या केस में कैसे कॉमन टेंजेंट बन रहे हैं? देवांश, कृष, चिराग, दीपांशु, इंदु, पाखी, दीपांशु समझ गया, पाखी got it, नोट कर लो फटाफट से सभी लोग।
फिगर बना लेना। क्या समय हुआ है? हाँ भाई, कर लिया ये पेज नोट सबने? कोई बचा है क्या? तो बचा है तो रोक दो, नहीं तो आगे चल रहा हूं। 3, 2, 1 ओके। सो ये वाला भी करो फटाफट से। डन, दिमांशु हो गया? फिर मैं तो अभी आया, मैं पूछने वाला था। क्या क्या कह रहे हैं सर? अभी अभी आया हूँ। आपने क्या कहा? अभी आया हूँ सर मैं। तू फिर डिस्कनेक्ट हो गया था सर? आज पता नहीं क्या हो रहा है यार, इसको आगे नहीं। अभी तो तूने अंगूठा दिखाया कि समझ आ गया? अभी नहीं दिखाया मैंने। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये तूने सुना है ना? मैंने लेकिन तूने कॉमन, ये तो सुना है मैंने। कॉमन टेंजेंट वाले पूरी कहानी सुन ली ना तूने? नोट कर ली? यस सर। नोट कर ली? यस सर। सबने नोट कर लिया भाई? चले आगे, कोई बचा तो नहीं? तो भाई क्वेश्चन है, जल्दी से कर दो, 2 मिनट है, 1 मिनट है तुम्हारे पास, फटाफट से करो। छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा एकदम। आंसर बताओ फटाफट से। पागी करा हुआ है ना बेटा, फटाफट आंसर बताओ। आंसर चाहिए तुमसे, शाबाश। क्वेश्चन बोल रहा है, फिगर बना देता हूँ पहले पहले सवाल के लिए, कि अ पॉइंट इज 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो भाई ये एक पॉइंट ए है, ये हमारा सर्कल का सेंटर है। दे रखा है कि ये 26 सेंटीमीटर दूर है, और फिर ए से एक टेंजेंट बना दिया हमने, ए से एक टेंजेंट बना दिया, ठीक है। लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, रेडियस निकालना, रेडियस ओपी होगा, ये 90 होगा। तो भाई ओपी कितना हो गया भाई? ये 24, तो ये हो गया करेक्ट है भाई। देवांश, कृष, निखिल, तीनों का सही है। हाँ भाई, बाकी लोग भी आंसर दीजिए। दीपांशु, बाकी आंसर दो। बाकी कहाँ गए? आज लगता है नेटवर्क में कुछ लोगों के, बाकी लोगों के भी दिक्कत आ रही है। देखो चलिए, हाँ भाई, 4 ही बचे हो तुम। तो आंसर दे दो भाई, दीपांशु भैया। हाँ भाई करेक्ट है। तो सिंपल है, ओपी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? ओ स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। इससे सॉल्व कर लेंगे, हमारा ओपी की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। So now this is a right angle triangle ABC, right angled at B. AB की length दे रखी है, BC की length दे रखी है, ठीक है। ये circle with center O घुसा दिया गया है triangle ABC के अंदर, such that it is touching all three sides. Radius बताना है, फटाफट से कर दो, फटाफट से।
बोलो बोलो। DQ की लेंथ कितनी होगी? DQ की लेंथ जवाब कितनी होगी? BQ की लेंथ एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा, एक्स की टर्म्स में पूछ रहा हूं। अरे बोलो। रूट टू एक्स BQ कह रहे हो? क्या सोच रहे हो भाई? इतना ओपी रेडियस है, तो से कर रहे हैं। ए बी परपेंडिकुलर है। अरे नहीं तुम गलत सोच रहे हो भाई, अगर रूट टू एक्स पे जा रहे हो तो ये परपेंडिकुलर है, थोड़ा सही डायरेक्शन में भेज दूं। ये भी परपेंडिकुलर है, रेडियस है, टेंजेंट है। तो भाई ओपी बी क्यू क्या हो गया? एक्स स्क्वायर नहीं हो गया? ओपी बी क्यू Isn't यस OP BQ a square? Since this is x given, this is x given, this is perpendicular, perpendicular, perpendicular. तो ये भी perpendicular ही हो गया ना? तो भाई जब चारों 90 डिग्री हैं, adjacent sides equal हैं, तो उस फिगर को क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर ही बोलते हैं, लास्ट टाइम आई चेक। तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये x है तो ये भी x जाएगा। अब थोड़ा खन का क्या करना है दिमाग में? बीपी आ गया, बीक्यू आ गया, क्या करेंगे अब? सोचो थोड़ा। बाय द वे होमवर्क सुन लो, मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 4 गलत जवाब। सही है देवांश। दीपांशु क्या कर रहा है? गलती ऐसी चेक कर भाई। चलो देखते हैं। तो बीपी एक्स है तो एपी कितना हो गया? 15 माइनस एक्स। यस सर, ए आर एपी के इक्वल हो गया विच यस सर, इज 15 माइनस एक्स। ठीक है। अब बी क्यू एक्स है तो सी क्यू कितना हो गया? 8 माइनस एक्स। सी आर अगेन यहाँ पे सी क्यू के इक्वल हो गया विच इज 8 माइनस 6। तो ए सी की लेंथ कितनी हो गई? ए आर प्लस सी आर विच इज 23 माइनस 6। बस अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। सो ए सी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 15 तो इसकी भी स्क्वायर। जरूरत पड़ेगी क्यों? सर। आप ये देखो ना, एसी की लेंथ सर मैंने ए आर प्लस आर सी करी है, तो 17 क्या तो सर निकाल ली ना हमने पहले ही, सब निकाल ही रहे। क्या? ओके ओके सर, ओके। आपने पहले नहीं निकाली, मैंने पहले निकाल ली तो थी। भाई तूने लगाई ना पाइथागोरस तो ऑलरेडी, तो हाँ, मैं अब लगा रहा हूँ। मेरे को लगा आप इसमें स्क्वायर लगा रहे हो। एसी कितना है? 17 आया ना, यस सर, 17 सेंटीमीटर आ गया। तो बस डाल दो तो 23 माइनस 2x आ गया 17, तो यहां से x आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, समझ गया चारों पांचों। चिराग कहाँ चला गया था भाई? चिराग इतनी देर से कहाँ चले गए थे? चिराग
क्यों भाई उस वाले नेटवर्क में क्या हो गया, छाप लिया सबने? यस सर। दीपांशु, अबे दीपांशु कहाँ गया यार, अभी चला गया सर, अभी आज अलग ही नाटक चल रहे हैं। चलो भाई चले आगे। चिराग तूने कहाँ था भाई, ये वाली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जो हमने कर ली इतनी सारी, तू था सब में? तू तो बड़ी देर से मेरे को गायब दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई फटाफट से कर दो। चलो ठीक है, सो वी हैव अ सर्कल नाउ। क्या बोल रहा भाई, एक ऐसा पैरेललोग्राम है जो जिसकी सारी साइड्स सर्कल को टच कर रही है, ठीक है, सर्कल को टच कर रही है चारों साइड्स। तो ऐसा कोई पैरेललोग्राम है और ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ गए सभी लोग? तो फटाफट से बताओ। तो फिगर बना रहा हूँ बढ़िया सा दिखना, बिकॉज आई हैव टाइम। ये हमारा सर्कल और हमें दिया गया है कि ये जो ए बी सी डी है ये एक पैरेललोग्राम है। हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। बताओ भाई, हुआ किसी का? नहीं हुआ, डन, ओके, सिंपल है। ए बी सी डी है तो इसको पी क्यू आर एस दे देते हैं, तो ए बी सी डी के इक्वल होगा, दे रखा है। ए बी को लिख लेते हैं हम ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। सी डी को क्या लिखे? हाँ भाई बोल निखिल, जल्दी बोल। सी आर प्लस आर डी लिखना जरूरी है क्या? CD को सर AB लिख लो। CD को AB लिख लें। बोलो बोलो बोलो, कैसे करा निकल, बताना जल्दी बोल, टाइम नहीं है। सर मैंने तो ऐसे किया, मैंने थोड़ी फिगर अलग से बनाई थी। फिगर तो एक ही बनेगी, हाँ, नाम अलग हो सकते हैं, फिगर थोड़ा अलग हो सकता है। सर AS AP के इक्वल हो जाएगा और ये सारे इक्वल हो जाएंगे टेंजेंट्स वाली प्रॉपर्टी लेकर के। अरे तो बताओ ना कैसे होगा। सर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा तो उससे कैसे करा? हाँ सर। ओके क्रिश, तूने कैसे करा? सर मेरे से नहीं हुआ। सर नहीं हुआ, ओके। देवांश तूने कैसे करा? सर मैंने ऐसे किया है कि सर एपी प्लस बीपी लेकर के और सर एपी जिसकी इक्वल होगा ना। बता बता एक एक स्टेप बता। एपी AP is equal to AS, ठीक है। BP BQK, ठीक है। RC
क्यू सी के और आर डी आर एस डी डी एस के। अब सर अब इससे ना मैंने सर एडजेसेंट एड साइड्स को ना इक्वल प्रूफ कर दिया है इससे। कैसे? एक मिनट सर, मैं आधे में अटका हुआ था सर, बस हो गया था मेरा एपी प्लस, ये ए बी आ जाएगा सर, एपी प्लस बीपी। लेकिन एस प्लस बी क्यू तो रेडी नहीं होता। नहीं सर एक मिनट, मैं इसको लिखता हूँ ना। जल्दी बोल। एक मिनट सर, एक मिनट। चलो भाई ये क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करके आना, होमवर्क है। चलो ठीक है, समय समाप्त हो गया हमारा। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है यार भाई।